देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान की सियासत से बड़ी खबर आज की जो टॉप स्टोरी है उसमें तस्करा करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान की असेंबलियों में इस्तीफे कबूल किए गए। अरकान असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 इस्तीफे मजीद कबूल कर लिए गए स्पीकर कौमी असेंबली जनाब राजा परवेज अशरफ की जानिब से। ये इस्तीफे कबूल होने के बाद क्या सूरत हाल है, अददी नंबर क्या है और इस्तीफे के कबूल करने के पीछे क्या सोच रही है स्पीकर साहब की, क्योंकि कल तक स्पीकर साहब यही कहते रहे कि वो किसी भी अरकान असेंबली का इस्तीफा ऐसे कबूल नहीं कर सकते जब तक वो पर्सनल कैपेसिटी में उनसे मुलाकात ना कर लें और यकीन दहानी ना कर लें कि इस्तीफे बगैर किसी दबाव के दिए गए। इसके हाल से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से जनाब शुएब राजा साहब, सीनियर साहबी हैं, तजियाकार हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़े दो टोक अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। और साथ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं रावलपिंडी से जनाब रिजवान शाह साहब, सीनियर साहबी हैं, अगेन किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। लेकिन शुएब साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहूंगा कि ये जो नेशनल असेंबली के इस्तीफों का मामला था, तहरीक इंसाफ बार बार कहती रही कि इस्तीफे कबूल किए जाएं पर स्पीकर साहब कहते थे नहीं, ये इस तरीके से कबूल नहीं हो सकते। आज अचानक से ये तब्दीली आई कि ये इस्तीफे कबूल होने लगे। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया मेमन साहब, बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे दावत दी। सर गुजारिश ये है कि ये जो इस्तीफों का जो मामला है ये तो तकरीबन कोई 9 महीने से ज्यादा का मामला है। जी ठीक है। अच्छा, उसमें उन्होंने पहले तो उन्होंने इस्तीफे कबूल नहीं किए, पहले तो वो ये कह रहे थे कि जी हर बंदे को मैं पर्सनली सुनूंगा और ये करूंगा और वो करूंगा और फिर इस्तीफे कबूल करूंगा। फिर ऑल ऑफ अ सडन जैसे ही खान साहब ने ऐलान किया तो उन्होंने पहले उनकी जो टॉप लीडरशिप थी सब उनके इस्तीफे कबूल कर दिए, आज 35 और कर लिए 80 के करीब। ऐसी कौन सी क्यामत आ गई थी कि ऑल ऑफ अ सडन, ये पहले तो ये कह रहे थे मैं एक एक बंदे को पर्सनली उसको मतलब ये कि उसको इंक्वायर करके उससे बात करके फिर एक्सेप्ट करूंगा, फिर ऑल ऑफ अ सडन सारे एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब ये बाकी के भी एक्सेप्ट कर देंगे। मसला क्या है? मसला सिर्फ ये है कि आप बताएं ना, आप जो कह रहे हैं कि इस्तीफे मंजूर कर लिए, स्पीकर्स वही हैं राजा परवेज अशरफ साहब, कल उनका मौकफ अलग था, आज मौकफ अलग है, तो अगर इनके मौकफ में जो तब्दीली आई है वो किसी ना किसी का इशारा तो हुआ है जो ये तब्दीली आई है? ऑब्वियसली जी, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, उस पे मैं क्या बात करूं। गुजारिश ये है कि इस्तीफे तो फिर जाते हुए कासिम सूरी एक्सेप्ट कर गया था, बिफोर ही लीव हिज ऑफिस वो एक्सेप्ट कर गया हुआ था इस्तीफे। बिल्कुल, फिर आप उस वक्त उसको मान लेते ना, उस वक्त क्यों नहीं माने? अब ऑल ऑफ अ सडन आप इसी इस्तीफे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपकी बदनीति जाहिर हो रही है भाई। आप कराची जैसा इलेक्शन कराना चाह रहे हैं मुल्क पूरे में, कराची के इलेक्शन में आपको भी पता है और मुझे भी पता है क्या नहीं हुआ। आप कराची जैसा इलेक्शन कराना चाह रहे हैं। लेकिन शाह साहब, मैं चाहूंगा आप भी जरूर उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि ये जो इस्तीफों का मामला है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो थॉट प्रोसेस होगा कि नून लीग ने या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या पीडीएम ने ये फैसला किया कि अब इस्तीफे जो काफी अरसे से पेंडिंग थे उनको अब कबूल किया जाए। कोई तो वजह रही होगी, कोई तो सोच होगी इसके पीछे। देखें, इसमें बिल्कुल बदनीयती जाहिर होती है स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ की, और एक वक्त में वो इस चीजों को डिले करना चाह रहे थे और यकलक जिस वक्त खान साहब ने यह ऐलान किया कि हम वापस असेंबली ज्वाइन करने का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, तो बेसिकली उसके मूव के अगेंस्ट मेरा ख्याल है, क्योंकि देखें राजा परवेज अशरफ का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, वो के वो स्पीकर कौमी असेंबली की सीट पर बैठे हुए हैं लेकिन है तो वो अपनी पार्टी के जेरे असर, और मुझे ऐसा लगता है कि सरदार साहब की जो सियासत है ये उसका जादू सर चढ़ के बोल रहा है कि जरदारी साहब को फील हुआ, महसूस हुआ कि शायद अगर असेंबली के अंदर वापस आ गए पीटीआई वाले तो इसे इलेक्शन का जो आगे वाला एक सिनेरियो सेट किया जा रहा है, जो एक सेटअप लॉन्च किया जा रहा है, उस सेटअप में रुकावट बन जाएंगे पीटीआई वाले। इस वजह से उन्होंने फौरी तौर पर स्पीकर को कहा है और यकीनन इन सब की मशावरत है कि ये वाला रास्ता रोका जाए इनका कौमी असेंबली में आने का और इनके इस्तीफे फौरी तौर पर कबूल किए जाए। लेकिन शाहजी माजरत के साथ कथा कलामी करूंगा, एक अहम नुकता ये भी है कि जितना आप सीटें वैकेंट कर रहे हैं उतना आप खुद ब खुद इलेक्शन के अंदर जाते जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि खान साहब जो चाल खेल रहे थे ये उस चाल के अंदर खुद फंस गए हैं।
अच्छा, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैच पे चाहूंगा जरूर कमेंट करें कि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि उस वक्त खान साहब ने प्ले अराउंड किया, खान साहब ने कहीं ना कहीं हुकूमत को मजबूर किया कि जो इस्तीफे हुकूमत एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, हुकूमत को इस्तीफे एक्सेप्ट करके 90 दिनों में आईनी तौर पर इन इन सीटों के ऊपर इलेक्शन कराने होंगे। अब हुकूमत के पास एक बड़ा नंबर है इलेक्शन के हवाले से, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल भी सामने, क्या हम ऑटोमेटिकली इलेक्शन की तरफ बढ़ चुके हैं हुकूमत के इस इकदाम के बाद? देखें, बात ये है कि ये इन्होंने बात तो अपने हिसाब से समझदारी वाली की है हुकूमत ने कि फौरी तौर पे रास्ता रोक दिया जाए, लेकिन उनको पता नहीं चला कि खान साहब ने उनको जिस तरफ धकेला था वो उसी तरफ चले गए हैं। और ये मेरा ख्याल है कि इसका अल्टीमेटली नुकसान है गवर्नमेंट को, जो इतनी स्पीड में सीटें वेकेंट हो रही हैं। 61% पाकिस्तान इस वक्त उसकी सीट्स खाली हैं, सूबाई असेंबली और कौमी असेंबलियों की। मजीद अभी आप तकरीबन 43 के करीब ऐसे मजीद रह गई हैं एमएनए की सीट्स, वो भी कबूल हो जाएंगी। तो आप तो खुद ब खुद, आपको खुद ही नहीं पता लगा और आपको जो है ना खान साहब ने उठा के इंतखाबात की तरफ धकेल दिया है। तो मेरा ख्याल है कि ये खुद अपने दाम में आप सयाद आ गया और इनको समझ नहीं लगी खान की पॉलिटिक्स की। खान ने बहुत जबरदस्त किस्म की पॉलिटिक्स की और इनको अपने लेकिन रिजवान साहब ये भी देखे ना, हुकूमत तो ये भी देख रही है, रिजवान साहब ये भी तो देखे ना, हुकूमत ये भी देख रही है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हुकूमत को कहीं ना कहीं कोई ना कोई टाइम पे इलेक्शंस की तरफ तो बढ़ना पड़ेगा। तो हुकूमत अगर केयर टेकर सेटअप को अपने तौर पे लगाना चाहती है तो मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ के इस्तीफे कबूल करने का ऑप्शन बेहतर नहीं हो सकता? आज अगर तहरीक इंसाफ के सारे इस्तीफे कबूल हो जाते हैं, हुकूमत इसके बाद असेंबलियां तहलील कर देती है और एक केयर टेकर सेटअप की तरफ मामला चला जाता है, तो तहरीक इंसाफ के पास आईनी तौर पर कोई इसमें से नहीं होगी, तहरीके इंसाफ उसमें के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकेगी। देखिए मेहमान साहब, आप थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड समझने की कोशिश करें। बेसिकली हुकूमत ये चाह रही है कि जो टेक्नो जो भी अगला निगरान सेटअप आता है इंटरिम गवर्नमेंट का, वो हुकूमत की मुशावरत से आए, जिसमें इंतखाबात का इनको एज मिल सके, इनको इंतखाबात में जीतने में आसानी हो सके। इन्होंने इस वक्त जो ये सूरत हाल क्रिएट की है, अब ये तो वाजे हो चुका है कि इलेक्शन से अब ये भाग नहीं सकती हुकूमत, और इलेक्शन ही नागुजीर हो चुके हैं पाकिस्तान के लिए। आप जब तक एक मुस्तकम एक स्मूथ सियासी स्ट्रक्चर नहीं रखेंगे तो आपको ना कोई दोस्त मुल्क मदद करेगा ना आपको। लेकिन अगर जीतने की बात होगी शाहजी, मुझे बताएं, जब बात ही इलेक्शन जीतने की है तो उसके लिए कोई भी मामलात को इस्तेमाल किया जाए? और ये तो खुद तहरीक इंसाफ ने एक आईनी पहलू दिया है हुकूमत को, आज हुकूमत के पास ये ऑप्शन है? इस तरह नहीं है, नहीं नहीं इस तरह नहीं है। देखें आप अवामी मकबूलियत के हिसाब से देखें, इस वक्त पीटीआई सर आइन तो अवामी मकबूलियत को नहीं कह रहा, आइन तो कह रहा है कि जो इस वक्त असेंबली में है, जो पार्लियामेंट का हिस्सा है, जो हिजब इख्तलाफ है, जो कायदे हिजब इख्तलाफ है वो, और जो स्पीकर ऑफ द मतलब जो जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो मिलकर ये सारे मामलात को तय करेंगे और उसमें मकबूलियत का तो कोई सवाल नहीं है ना शाहजी? जी 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 आता हूं साहब आपकी तरफ। जी शेख साहब, आपने मेरी बात को पूरा नहीं होने दिया। मैं अपनी बात आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरह के इकदाम हुकूमत करेगी, अपनी मर्जी का एक निगरान सेटअप लेकर आएगी, तो आप क्या समझते हैं कि मुल्क की जो मकबूल तरीन जमात है, जो 18 पार्टियों की पीडीएम की पार्टियों के साथ अकेली जमात खड़ी हुई मुकाबले खड़ी है, तो क्या आप क्या समझते हैं कि क्या उस जमात को ओवरलैप करके चले? ये आपका पॉइंट आ गया, लेकिन शेख साहब मैं चाहूंगा ऐड कर दें आप भी, क्योंकि फिलहाल तो आईनी तौर पे कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा मेरे पास। देखिए मेहमान साहब, गुजारिश ये है कि आप आईन की बात कर रहे हैं तो क्या आपका जो इस वक्त आपका जो अपोजिशन लीडर है क्या वो आईनी है? मेरा सवाल ये है, एक बंदा जो पीटीआई के टिकट पे, एक मिनट लेट मी कंप्लीट, जी जी बिल्कुल, एक बंदा जो पीटीआई के टिकट से इलेक्शन जीत कर आया, असेंबली में जाकर लोटा हो गया, लेट मी कंप्लीट प्लीज, असेंबली में जाकर लोटा हो गया, औकात उसकी ये है कि वो कहते हैं मैं तारीख इंसाफ से पहले इलेक्शन लड़ा था, मैं नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ूंगा। राइट, जब वो बंदा
ये बयान दे रहा है कि अगला इलेक्शन में नून लीग के टिकट से लड़ूंगा तो उसको हज़्ब इख्तिलाफ कौन मानेगा भाई। सर आईनी तौर पे वो आज भी हज़्ब इख्तिलाफ हैं, जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जब तक पाकिस्तान की अदालतों से या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या दीगर जो इदारे हैं इसके ऊपर कोई फैसला नहीं दे देते तब तक यही हिज्ब इख्तलाफ के में होंगे, यही कायदे हिज्ब इख्तलाफ होंगे, इस पर तो आप और मैं कुछ नहीं कह सकते ना सर। हमारा यही तो रोना है सर, हमारा यही तो कहना है, हमारी चीखों पुकार भी तो यही है कि ये इदारे कब समझेंगे सिचुएशन को, पाकिस्तान की मौशी हालत किधर चली गई, अभी इदारों को अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो खत्म है पाकिस्तान। लेकिन शाहजी अगर इधारों ने जिम्मेदारी ले ली होती तो आपको लगता है कि पाकिस्तान इस नहज पे आता? इसे बुरी सूरत हाल का इंतजार करना चाह रहे हैं ये, पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा हुआ है, आपके पास दो हफ्ते का शाहजी डिफॉल्ट वगैरह कुछ नहीं होता, शाहजी डिफॉल्ट वगैरह कुछ नहीं होता, हुकूमत रहनी चाहिए, डिफॉल्ट वगैरह आती जाते वाली बात है, बातों को समझेगा। मेमन साहब गुजारिश को समझें जी जी, 12 बजे अदालत खुल जाती है इस रिजीम केस के लिए, रात 12 बजे अदालत खुल जाती है तो रात 12 बजे अदालत खोल कर मामला को दुरुस्त करे। कुछ शिव साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? देखिए भाईजान गुजारिश ये है कि अब पंजाब की असेंबली टूटी है, ठीक है, पंजाब में दोनों पार्टियों ने दो दो नाम देने थे, पीटीआई ने दो नाम दिए, अपेरेंटली वो दोनों इम्पार्शियल हैं, सही है, नून लीग ने दो नाम लिए। अब जरा बात को समझें, एक नाम दे रहे हैं वहा चिमे का, आ चिमा कौन है? सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर है, सही है, ये आईनी काम हो रहा है सर। मैं यही तो कह रहा हूँ, आपके और मेरे गैर आईनी कहने से कोई काम गैर आईनी नहीं हो जाता। करो मेरी बात को पूरी होने देना, मेरी बात को पूरी होने साहब, आप आहा चीमा का आपने नाम लिया, मोहसिन नकवी साहब के बारे में भी बता दें कि वो कौन है। मोहसिन नकवी साहब सर वो जरदारी साहब के खासम खास आदमी हैं, ठीक है जी। मोहसिन नकवी जो कल तक हमारी तरह एक जर्नलिस्ट एक रिपोर्टर था जी, आज उसके अदारे आप गिन नहीं सकते, सिटी 42, सिटी 51, सिटी 21, 24, यूके में जाकर C44। सर जी 30 साल मुझे जर्नलिज्म पे हो गए हैं, मेरी तो औकात नहीं है एक भी ले सकूं, लेकिन छह छह तारे कहां से बन गए भाई। लेकिन शेफ साहब माजद कथा कलामी माजद, मैं सिर्फ एक बात आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आप एक बात कह रहे हैं मुनीर भाई, कहने का मकसद ये है कि आप आईन आईन की बात कर रहे हैं लेकिन इनकी सर मैं नहीं कह रहा मैं आईन की बात ही नहीं कर रहा, तरीके से निगरान सेटअप नहीं लाना चाहते सर। मेरी भी अर्ज सुन लें, मुझे ये बता दें, कहने का कि आखिर कोई किसी इदारे का तो आगे इस नाइंसाफी के ऊपर बढ़ना। सर मैं यही कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि आज आप या मैं या कोई भी शख्स अगर पाकिस्तान में मौजूद है या पाकिस्तान से बाहर है, अगर वो किसी इकदाम को गैर आईनी कहता है तो वहां वो इम्पैक्ट नहीं कर सकता, ये इदारों का काम है। अगर जब तक इदारे इनको गैर आईनी नहीं कह देते या इन लोगों को डीसीट नहीं कर देते तब तक इख्तियारात इनके पास मौजूद हैं, और ये इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए आईनी रास्ता, फिर मैं बता कहूंगा आईनी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए, आईनी गुंजाइश का इस्तेमाल करते हुए, ना सिर्फ अपनी मर्जी का केयर टेकर सेटअप लाएंगे, अपनी मर्जी से इस्तीफे कबूल किए जाएंगे, अपनी मर्जी से नामजदगियां की जाएंगी। मैं गलत तो नहीं कह रहा अगर ये बात कह रहा हूं तो? देखिए मुनीर साहब आप मेरी बात को पहुंच गए हैं, मैं भी तो फरियाद कर रहा हूँ मुल्क के मुक्तदर इदारों से कि खुदा के लिए आगे बढ़ो, अब पाकिस्तान को आगे लेकर जाओ, पाकिस्तान रुक गया है, इस सियासी जमूत को खत्म करो, इसको तोड़ो, कोई तो आगे आकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। ठीक है आपका पॉइंट आगे शाह जी, मैं शिव साहब के पास से कंटिन्यू करूंगा, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है क्योंकि ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे ना तो ये भी जरा फैसला करना है, क्योंकि तहरीक इंसाफ इस वक्त क्लेम कर रही है कि जिन इस्तीफों के ऊपर जिन सीटों के ऊपर इस्तीफे कबूल कर लिए गए पीडीएम की जमातों के पास उन सीटों के ऊपर कंटेस्ट करने के लिए कैंडिडेट्स ही मौजूद नहीं है, अगर ये कुछ हो रहा है तो फिर इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके ऊपर बात करें कि शिव साहब से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन, आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।
प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। तस्करा हो रहा है कि पाकिस्तान में जिस अंदाज से कौमी असेंबली के इस्तीफे कबूल किए गए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमाओं के जिस अंदाज से इस्तीफे कबूल हो चुके हैं, अब बहस ये है कि क्या इनके ऊपर इंतखाबात होंगे, और अगर इंतखाबात होंगे तो कंटेस्ट कौन करेगा, पीडीएम की जानिब से कौन से उम्मीदवार होंगे जो इन नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट करते नजर आएंगे। दूसरा सवाल ये भी है कि क्या इन सीटों के ऊपर जिनके ऊपर दरअसल इस्तीफे कबूल हो चुके हैं, क्या इनके ऊपर कोई इलेक्शंस भी होंगे या नहीं, ये एक बड़ा मिलियन डॉलर सवाल है। शेख साहब, मैं चाहूंगा दोनों सवाल आपके जवाब आप अगर आप दे दें तो। पहले जी भाई, गुजारिश ये है, देखें पहले भी जो बात हो रही थी ना, बदकिस्मती ये है, मैं तो जब से पाकिस्तान वापस आया हूँ अमेरिका से, मैं यही देख देख के हैरान हो रहा हूँ कि हम में से कोई बंदा भी अपनी हदूद में है ही नहीं, कोई अदारा अपनी हदूद में नहीं काम कर रहा, कोई बंदा अपनी हदूद में नहीं रह रहा। पांच मरले का जो घर बनाता है उसकी भी कोशिश ये होती है कि थड़ा इतना बड़ा बना दे कि आधी गली उसमें शामिल हो जाए। ये रियलिटी है ना इस कौम की, मैं आपको एक कौम की साइकी बता रहा हूँ, ठीक है, ये रियलिटी है। इसी तरह कोई भी अदारा अपनी हदूद में नहीं, जो उसके अदारे के जो दायरा कार है उसके अंदर तो कोई अदारा मुझे नजर ही नहीं आ रहा। सही। अब ऐसे हालात में विडियोपोलॉजी, मुझे तो ये लग रहा है कि ये अवाम का सबर चेक कर रहे हैं, ये अवाम को कह रहे हैं कि निकलो इनकलाब के लिए, और कोई हल नहीं बचा, यकीन करें आप। सर, आवाम को सर, निकालने से पहले क्या हम इलेक्शन की तरफ, हमें लग रहा है कि ये जो दो दिनों में इस्तीफे कबूल हुए हैं इनके ऊपर इलेक्शन हो रहा है या नहीं, मुझे ये तो पहले बताएं। सर नहीं हो रहा, कोई कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा उनको, कैसे इलेक्शन होगा 35 सीटों पर, मतलब 33 जो पहले इस्तीफे कबूल हुए थे। एक मिनट जी, पहले जो 33 इस्तीफे कबूल हुए थे, इमरान खान ने कहा मैं अकेले ही लड़ूंगा उनके ऊपर, पीडीएम की तरफ से कोई एक बंदा हम सामने नहीं आया, आए ना कोई, मौलाना फजलुर रहमान ही आ जाए यार, मरियम नवाज ही आ जाए, कोई आए तो सही। सर वो मुल्क में नहीं है, वो इलेक्शन कैसे भी लड़ सकती हैं, वो तो भी है ही नहीं मुल्क में ना, उनके तो वो लंदन मौजूद है फिलहाल। सर गुजारिश ही है, इतने सारे बाय इलेक्शन किस तरह मुमकिन है, सैकड़ों की। सर इस मुल्क में कुछ भी मुमकिन है, इस मुल्क में। मैं शाह जी आपकी तरफ आता हूँ, मुझे शेख साहब से एक चीज और पूछने थे, क्योंकि क्लैरिटी आ जाएगी। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन हो नहीं रहे क्योंकि और कैंडिडेट्स भी नहीं मिल रहे, अब मुझे सर ये बता दें, इलेक्शन इसलिए नहीं होंगे क्योंकि पीडीएम को कैंडिडेट नहीं मिल रहे, या पीडीएम को जो कैंडिडेट्स मिल रहे हैं वो विनिंग कैंडिडेट नहीं है कि इलेक्शंस कराए जा सकें? देखें, गुजारिश ये है कि इस वक्त ये एक मुसलमा हकीकत है कि इमरान खान की जो इस वक्त जो फेम है उसकी वो वाली फेम है जो 71 में भुट्टो साहब की थी, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा। इनके पास कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट हारने के लिए तो नहीं आएगा, ये इलेक्शन नहीं करना चाह रहे, ये सिलेक्शन करना चाह रहे हैं। अब तक की जो सूरत हाल जो वाजे हुई है ना, उसमें बड़ा क्लियर कट नजर आ रहा है कि ये इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे, ये सिलेक्शन करना चाह रहे हैं। आपके कराची में क्या हुआ है, कराची का बलदियाती इंतखाब था, छोटा सा इंतखाब, वो तीन दिन तक उसके रिजल्ट नहीं आए यार, कोई कॉमन सेंस की बात है ये? सर वो वोट बहुत पड़ गया था ना, गिनती में वक्त लग रहा था उसमें। नहीं सर बात को समझे, 25% वोट पड़ रहा है, तीन दिन तक उसका रिजल्ट नहीं अनाउंस हो रहा, आप इसको क्या कहेंगे? ये ये यकीन तौर पे इसको जादूगरी कह सकते हैं, इसको फिलहाल तो पाकिस्तान की सियासत में जादू कह सकते हैं। इंतखाबात आने वाले हैं, ये उस इंतखाबात का ट्रायल किया है उन्होंने। अरे शाजी, मुझे ये बताना, ये सवाल आपसे भी कर लेते हैं, इट्स अ टोटल फेलियर ऑफ इलेक्शन कमीशन, इट्स अ टोटल फेलियर ऑफ इलेक्शन कमीशन। अगर शर्म वाला बंदा होता तो रिजाइन देके चला जाता। सर ये फेलियर लोगों को नजर आ रहा है, ये फेलियर उनके लिए नहीं है जो अपनी मर्जी के नतीजे चाह रहे हैं, उनके लिए तो कामयाबी है, उन्होंने तो अपना टेस्ट ट्रायल कराची के अंदर करके देख लिया और कामयाब हो गए। सही। लेकिन शाहजी मुझे बताएं ना, आपको आपको क्या लगता है कि ये जो इतने सारे इस्तीफे अभी दो दिन में कौमी असेंबली के कबूल हुए हैं, आपको लग रहा है कि हुकूमत ऐसे माहौल में जब इन इनमें से बेशतर जो इस्तीफे हैं वो पंजाब के असेंबलियों के भी हैं, पंजाब के सूबे के भी हैं, तो वहां तो पंजाब में तो ऑलरेडी सूबा इलेक्शंस होने हैं, वहां पे तहरीक इंसाफ ऑलरेडी एक बड़ी कैंपेन भी लॉन्च कर रही है, तो वहां पे ऐसे माहौल में इलेक्शंस आपको होते हुए नजर आ रहे हैं? सर देखिए, अभी मेरे हिसाब से जनरल इलेक्शंस के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, आप बाय इलेक्शंस करवा नहीं सकते, और जनरल पर हुकूमत नहीं करा रही ना शाहजी, हुकूमत कह रही है इलेक्शन नहीं हो रहे, 90 दिन में इनके ऊपर इलेक्शन कराना पड़ेगा।
जो आपने कौम को एक रूप दिखाया इलेक्शन कमीशन ने कराची के इलेक्शंस के लिए अंदर इंतखाबात में, अगर आप उस तरीके से इलेक्शन मामला दूसरी तरफ चले जाएंगे और ये मामला रुकेंगे नहीं, आप लोगों के रद्द अमल को खुद ब खुद उभार रहे हैं। बिल्कुल सही कहा शुएब साहब ने कि आप खुद चाह रहे हैं कि लोग आए और इनकलाब के लिए या लोग अपने हक के लिए रोडों पर निकल आए बगैर किसी के कहे, तो ये सिचुएशन बड़ी वर्स होगी। इस सिचुएशन को समझें, अवाम में बहुत गुस्सा है, अवाम को आपने इश्ताल में रखा हुआ है, अवाम पे महंगाई का तूफान बरपा हुआ है, उनकी जिंदगी अजीरन है, और जब आप हद से ज्यादा किसी को तंग करते हैं तो फिर वो खड़ा हो जाता है। तो शाहजी आपको भी लग रहा है कि इलेक्शन नहीं हो रहे ना? शाहजी मुझे बड़ा क्लियरली बता, आपको क्या लग रहा है, इलेक्शन नहीं हो रहे, चांस ही नहीं इन सीटों के ऊपर इलेक्शन होने का? नो नो, आपको आम इंतखाबात करवाने पड़ेंगे, इतनी बड़ी तादाद में बाय इलेक्शन नहीं हो सकते। अभी केपी की असेंबली भी तहलील हो चुकी है, ठीक है, कैसे करवाएंगे सर, कितना करवाएंगे, कितना बजट लाएंगे उसको कितने? अच्छा, और मेरी एक बात सुने आप, ये देखें कि मैक्सिमम सैकड़ों की तादाद में बाय इलेक्शन करवाएंगे तो आप क्या 2025 में कम्प्लीट करेंगे? सर वो कंप्लीशन तो फिर बड़ी दूर की बात है, लेकिन यकीन तौर पे इलेक्शन का मरहला ही बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन शिव साहब मुझे एक बात बताएं, ये भी इसको ऐड कर ले, इलेक्शन की जब बात होती है तो लीडरशिप की बात होती है ना, क्या ये पॉसिबल है कि एक जानब से खान साहब इन सारी नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, दूसरी जानब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन वापसी आके वो भी इन सारी सीटों के ऊपर मुकाबला करें? कैसा मजा नहीं आएगा सियासी माहौल में, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा पहलू होगा। गुजारिश ये है कि मियां साहब जो हैं वो ताहयात ना अहल हो चुके हैं, सही है, और किया किसने है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। बात को जरा तहमल से सुनिएगा और समझिएगा। पहले तो मियां साहब जैसे ही लैंड करेंगे तो मियां साहब के जहाज का दरवाजा जो है ना वो खुलेगा भाई मेरे अडियाला जेल में, जैसे ही वो आएंगे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। सर ये इसहाक डार साहब के हवाले से भी कहा करते थे ना आप लोग कि इसहाक डार साहब आएंगे जेल जाएंगे, उनको बड़े मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, उनके साथ भी कोई मामला नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब की के बेटों के हवाले से भी कहा जा रहा था, उनके साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर मियां साहब तो कायदे लीडर है सर, आपको कैसे लगता है कि मियां साहब की वापसी होगी और राह हमवार नहीं की जाएगी पहले से? सर अल्लाह करे वो आए, मेरी तो ख्वाहिश है कि वो आए और आकर वो इमरान खान के मुकाबले में हर जगह पे इलेक्शन लड़े, मैं तो चाहता हूँ ये, मेरी तो ये ख्वाहिश है, ठीक है ना, मगर मुझे ये ऐसा कोई सिनेरियो नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आएंगे? राणा सरावाला साहब कह रहे थे, मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी, राणा साहब कह रहे हैं कि मियां साहब जल्द वापस आएंगे। एहसन इकबाल साहब की भी मैंने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने भी इस उम्मीद का इजहार किया कि मियां साहब जल्द वतन वापसी आ जाएंगे। क्या वो आपको नहीं लगता कि इतनी अगर पॉजिटिविटी है नून लीग के कैंप में, राणा साहब लंदन में मौजूद है, उनकी बात भी हुई होगी, तो फिर भी नवाज शरीफ साहब नहीं आते मुल्क में, ऐसा आपको लग रहा है? मियां साहब ने आज तक अपनी औलाद को नहीं बताया कि वो क्या करने वाले हैं, अपने भाई को नहीं बताया कि वो क्या करने वाले हैं, तो बाकी रहनुमाओं को क्या पता होगा कि मियां साहब क्या करने वाले हैं? मियां साहब का आना ऐसा ही है जैसे क्यामत का आना है जनाब। सर अब आप तो आप कह रहे हैं सर क्यामत भी एक ना एक दिन आ रही है, तो मियां साहब तो आ जाएंगे इससे पहले? कानूनी का बातें इतनी है, और सर ये लोग हमेशा ये जब क्रिकेट खेलते थे तब भी मैनेज करके खेलते थे, फिक्स मैच खेलते थे, ये जब तक फिक्सिंग नहीं होगी इनको गारंटीज नहीं मिलेंगी कि वापसी पे इन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, ये उस वक्त तक नहीं आ सकते। तो आपको लगता है कि नियाज साहब की वतन वापसी के हवाले से अभी तक हुकूमत को ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, आप ही कह रहे हैं? नहीं सर मिला है, वो उस दिन मतलब आपने सुना नहीं, वो मियां साहब का ही एक वहां पे लंदन में होता है जिसने कहा कि 33 दिसंबर को आ रहे हैं। सही, तो 33 दिसंबर आएगी तो आएंगे ना, तो 33 दिसंबर हो सकता है उनके कैलेंडर कोई और मुल्क का हो ना, किसी और सियारे का हो, शायद उधर का कुछ मामला अलग हो। एक शेर याद आ गया है कि वो मेरे महबूब ने वादा किया है पांचवें दिन का,
किसी से सुन लिया होगा, ये दुनिया चार दिन की है। क्या बात है शाहजी, आपने मतलब लाजवाब कर दिया। लेकिन मैं बहसे तजिया का मैं कहूं एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, शाहजी आपको नहीं लगता कि ऐसे माहौल में जब इतनी सारी कंफ्यूजन है, अगर मियां साहब की वापसी की बात करें वो भी एक बड़ा सवाल है, हुकूमत दूसरी जानब कोशिश करने में लगी हुई है कि किसी तौर पे खान साहब को नाहल कर दिया जाए, ये सारे जो मामलाते हैं वह सूरत हाल को तो मजीद उलझा रहे हैं। पाकिस्तान तो इस वक्त किसी भी तौर पे उलझा हुआ है। मनीर भाई, जब भी पाकिस्तान के अंदर कंफ्यूजन हुई, जब भी पार्टी पे बुरा वक्त आया, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है सो कॉल्ड जनाब मियां नवाज शरीफ, जो ता हयात ना अहल है, वो हमेशा भागे हैं। ये उनका रिकॉर्ड है, सर पे जाने किसी ने दिया सर, ये भी तो ना कहे ना, ये भी तो जुल्म ना करे ना कि वो चले गए सर। सर शाहजी माजरत कथा कलामी, पहले भी अगर वो गए तो इधर से इजाजत लेके गए सर, पहले भी गए इजाजत लेके गए, इस बार भी गए इजाजत नामे के साथ गए। इजाजत नहीं लेकर गए सर, वो डील करके गए हैं, वो डील के बहुत मास्टर हैं, वो डील करके गए। चले उनको डील मिल जाती है, उनकी उनकी खुशकिस्मती है, खुशकिस्मती ये है कि उन्होंने जिस सिस्टम को पीपल्स पार्टी और नून मुस्लिम लीग नून ने पिछले 34 साल में जिस सिस्टम को अपने लिए ढाला है, मुझे नहीं लगता कि वो सिस्टम उनको मजीद सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो सिस्टम बिहाइंड द सीन था, वो सिस्टम नजर नहीं आता था। लेकिन अब आवाम इतनी बाशऊर हो गई है, अब आवाम को सब समझ है कि कौन किधर से इशारे कर रहा है और किसके इशारे पे कौन क्या करना चाह रहा है। तो मेरा क्या है कि आप जब आवाम ये सब कुछ जानती है, तो उस सूरत में ये तमाम मामला करके और आवाम के सामने आप सुर्खरू आकर होकर बैठ जाएं और एक ही बात करें, मुल्की मुफाद में मैंने ये फैसला किया है, तो शायद आवाम को ये नामंजूर है। आपका पॉइंट आगे शाह जी, लेकिन शुएब साहब ये बताए ना, शाह साहब कह रहे हैं कि सिस्टम अभी इनके फेवर में नहीं, अगर मैं कहूँ सिस्टम मियाँ साहब की इनकी फैमिली के फेवर में नहीं है, तो कैसे 2022 में खान साहब की एक चलती हुई हुकूमत का तख्ता पलट के शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए, कैसे इनके सारे केसेस माफ हो गए, कैसे आज इसहाक डार साहब समेत दीगर नून लीग के वो वज़रा जो हमें दिखाई नहीं देते थे आज वजीर बने बैठे, आप फिर भी कहें कि सिस्टम इस वक्त फेवर में नहीं है, तो कैसे ये मुमकिन है? देखें, गुजारिश ये, जिसको आप सिस्टम कह रहे हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पे सिस्टम है ही कोई नहीं। यहाँ पे जिसके हाथ में डंडा है भैंस उसकी है भाई। और डंडा किसके हाथ? समझ जाएं आप इस बात, समझ जाएं आप इस बात को कि जिसके हाथ में डंडा है भैंस उसकी है, और डंडा कहीं आप जहां पे मौजूद है उसके आसपास ही पाया जाता है। जी बिल्कुल, मेरी बगल में है। शाह साहब आपके पास है कोई ऐसा? सर बात यह है कि जो शहर साहब का इशारा है, बिल्कुल बिल्कुल सही इशारा है। देखें चीज़ों को मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं, जिस तरह एक सियासी सिनेरियो एक नज़र एक मतलब सोच डेवलप हो रही है कि अभी तक जो होता रहा है उसको छोड़े, अभी जो होने वाला है उसको समझें, ठीक है, पाकिस्तान की सिचुएशन को समझें, खुदा के लिए पाकिस्तान को छोड़ दें, जीने दें पाकिस्तान। शाह साहब आपका पॉइंट आ गया, मुझे ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है, मैं आपके पास ही आऊंगा और आकर मेमन साहब एक बात ऐड करना चाहूंगा अगर इजाजत दें। जी 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 रहेगा तो हम कब रहेंगे? जी शेख साहब। जी सर, गुजारिश ये है कि नवाज शरीफ और जरदारी दोनों के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, सही, बहुत ज्यादा करप्शन के चार्जेस, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ठीक है। अच्छा गुजारिश, और दोनों की पैदावार उसी गमले में हुई है जिस गमले में से भुट्टो साहब भी आए थे और सारे आए थे, ठीक है। अब बात यह है कि फर्ज कर लें, जब से पाकिस्तान बना है तब से अब तक पाकिस्तान का 100 रुपया चोरी हुआ है, एक मिसाल दे रहा हूं कि 100 रुपया चोरी हुआ है, 25 रुपए ये दोनों खा गए, बाकी 75 कहां गए भाई? सर फिर अब वो बहस निकलेगी तो बहुत दूर तक चल जाएगी, मैं उस गली में जाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। एक मिनट मैं दो फिक्रे बोलना चाहता हूँ। शहब साहब की बात को एंडोर्स करते हुए ये भी पूछ लेना चाहिए कि जो इमरान खान की हुकूमत खत्म की गई थी उस वक्त आपके कितने रिजर्व्स थे और अभी कितने रिजर्व्स में कमी है, तो वो कहां गए भाई? शेब अमजद साहब ने दो दिन पहले भी ये बात कही है कि सर इसके ऊपर बात करते हैं, खान साहब के ऊपर बात करते हैं। खान साहब ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में बड़ी सारी बातें की, काफी सारे इंकशाफात भी किए
और एक थ्रेट का भी इजहार किया। यकीन तौर पे खान साहब के ऊपर माजी में कुछ ही अरसे पहले एक बड़ा जबरदस्त हमला हुआ और खुशकिस्मत यह कि वो उस हमले में महफूज रहे और कोई बड़ा हमें नुकसान उसमें नजर नहीं आया। लेकिन एक बार फिर से थ्रेट्स के मामला हैं, उस इंटरव्यू में क्या कुछ कहा गया उसके बात करेंगे। ब्रेक लिफ्ट ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। तस्करा हो रहा था कि खान साहब ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में बड़ी सारी बातें तो की लेकिन उन्होंने अपने हवाले से थ्रेट अलर्ट का भी इजहार किया और यकीन तौर पे इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी फिजा है उसमें किसी भी सियासी लीडर के लिए इस तरीके से ओपनली पब्लिक गैदरिंग्स में जाना कोई ज्यादा सूदमंद साबित नहीं हो सकता। शाहजी, ये जो इंटरव्यू था, खान साहब के ऊपर कातलाना हमला भी हुआ और हमने देखा कि बड़ा मंसूबा बंदी के साथ ही कातलाना हमला हुआ। अभी तो पिछले हमले के हवाले से ही पता नहीं चल पाया कि वो कौन था, उसका सरगना कौन था, उसमें कौन कौन मुलविस था। अब आज खान साहब एक बार फिर से अपने थ्रेट अलर्ट का इजहार कर रहे हैं। सर, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो है देखा जाए तो। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की वो वाहिद शख्सियत है जिसको शदीद खतरात लाक है अपनी जान के हवाले से, और ऑलरेडी एक हमला उनके ऊपर हो चुका है जिसमें वो मुजाना तौर पे बच चुके हैं। बिल्कुल, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। और आपको भी पता है कि नेशन की पल्स खान साहब के हाथ में है इस वक्त, तो सबको पता है कि ये कैसी आवाज़ है जिसको दबाया जाए तो ये सारा रेजिस्टेंस रुक सकता है जो भी इस हुकूमत के खिलाफ है या इस सिस्टम के खिलाफ है। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, उनको एहतियात भी करनी चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि खान साहब की हिफाजत करें। वजह यह कि खान साहब की जान के ऊपर अगर कोई हमला हुआ खुदा न खास्ता या खान साहब को कुछ होता है तो इतना बड़ा पब्लिक रिएक्शन आ जाएगा जिसको कंट्रोल ही नहीं किया जा सकेगा। फिर सिस्टम आपका सारा एक तरफ रह जाएगा और अवामी रद्द अमल एक तरफ रह जाएगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब इस वक्त एक मकबूल। सिर्फ मकबूलियत के अलावा भी अगर मैं किसी भी सियासी रहनुमा की बात करूं, पाकिस्तान तो इस वक्त किसी भी तौर पे इस तरह के मिस एडवेंचर का मुतामिल ही नहीं हो सकता। और हम तो दुआ गो हैं, तमाम तो जो सियासी हमारी क्यादत है, तमाम तो पाकिस्तानी, खुदा ना करे कोई भी इस तरह के मामला की जद में आए। लेकिन इस वक्त एक सवाल तो यह है ना कि जो पिछला अटैक हुआ था अभी तक उसके बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं आ सकी कि उसके ऊपर क्या तफ्तीश हुई, कौन मुलव्वस था, कौन नहीं था, पुलिस का किरदार उसमें क्या रहा, क्या नहीं रहा, कहां लूपहोल से। सर, वो मामला कब क्लियर होगा? वो तो अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए था। आप एक ऐसे अटैक की बात कर रहे हैं जो इस वक्त खान साहब दुनिया के मकबूल तरीन सियासी लीडरान में आते हैं, अगर उनके ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ, वो शख्स पकड़ा गया, इसके बावजूद धागे हैं इस डोर के जो सुलझ नहीं पा रहे। देखिए, उलझाया इस तरीके से गया मामला क्योंकि सुलझ ही ना पाए, क्योंकि देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। तो मामला आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि क्या है मामला। और देखिए, इस वक्त अगर हकीकी और ईमानी तौर पे अगर कोई बात की जाए ना, तो इमरान खान एक ऐसा लीडर है जिसने पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों, पाकिस्तान मुखालिफ ताकतों को ललकारा है। तो यकीनन उनकी आवाज़ उनको अच्छी नहीं लगती, वो इस आवाज़ को बंद करना चाहते हैं, इस आवाज़ को खामोश करना चाहते हैं। तो ये बहुत सीरियस मसला है, इसके ऊपर बहुत सीरियस बात होनी चाहिए और इस बात की भी बिल्कुल मजम्मत की जानी चाहिए कि खान साहब जो साबिक वज़ीर आज़म हैं और पाकिस्तान की एक मकबूल पार्टी के चेयरमैन हैं और आवाम के अंदर उनका एक अच्छी मकबूलियत है, तो उनके ऊपर होने वाले हमले की वो FIR तक अभी तक दर्ज नहीं हो सकी। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। शुभ साहब, मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप भी जरूर कमेंट करें, क्योंकि अभी तक खान साहब के हवाले से क्लैरिटी नहीं आ पा रही है कि ये जो हमला हुआ था पिछला उसके ऊपर कौन मुलविस था, और अभी खान साहब को जो थ्रेट्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। अगर ये पता चल रहा है कि वो थ्रेट्स हैं खान साहब के लिए, तो वो थ्रेट्स जनरेट कहाँ से हो रहे हैं, उसका सोर्स क्या है, उसके ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भाई, बात गुजारिश ये है कि शाह साहब ने ये बात कर दी ऑलरेडी कि उसकी FIR तक नहीं हो पाई। देखिए, बात ये है, जो कातलाना हमला होता है उसमें जो मुश्तबा अफराद होते हैं उनके नाम लिए जाते हैं,
कि मुझे इस पे शक है, मुझे इस पे शक है, मुझे इस पे शक है, फिर उसकी इंक्वायरी होती है, अगर वो बेगुनाह है तो बेगुनाह हो जाते हैं, अगर वो गुनाहगार है तो उनको पकड़ा जाता है। यहाँ पे तो FIR ही नहीं होने दी गई भाई। जब FIR ही नहीं होने दी गई, हालांकि वो शुबा ही था ना, क्या था वो, किसी ने फांसी तो नहीं लगा देना था, शुबा ही था ना, आप उसको, आप उसमें शामिल तफ्तीश होते, आप उसमें से क्लियर होते, मगर वो भी नहीं किया गया। तो उसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कि ये तो सारी फिर कयास राइयां हैं ना। तो शुएब साहब मुझे ये बताया ना कि हमने देखा माजी में भी बेनजीर भुट्टो साहिबा के ऊपर जो अटैक हुआ, उसके बाद एक और अटैक उनके ऊपर हुआ, उस वक्त भी काफी बातें जो आज तक मिसिंग है, काफी सवाल आते हैं जिनका आज भी जवाब नहीं मिल सका। खुदा ना करे इस तरह का कोई एडवेंचर मिस एडवेंचर हमारे यहाँ फिर हो, हम क्या इसी तरीके से हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे कि ठीक है हो गया, एक और वाकया था हो गया, एक और मामला था हो गया, ऐसे ही चलता रहेगा मामला। यही बदकिस्मती है इस मुल्क की, आज तक तो आप देख लेना, लियाकत अली खान का केस आज तक सॉल्व नहीं हुआ, गो कि अमरीका में खुल गया सारा कुछ, ठीक है ना। तो बात ये है कि ये तो हमारा अलमिया रहा है और शायद आइंदा भी रहेगा, ता वक्त ये कि हम सही ट्रैक पे नहीं आ जाते। ये बड़ा अहम सवाल है। और देखें बात ये है शहर साहब कि आप बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, इसीलिए तो फिर लोगों की आवाजें उठती हैं, इसीलिए तो फिर वो अदालती सिस्टम को सवालिया निशान बनाकर देखते हैं। बात यह है कि अदलिया का काम है ना, अदलिया का इन्फ्लुएंस होना चाहिए। वो सोमोटो सर मुझे बताएं, अगर ये सारे काम अदलिया ने करने हैं तो सर ये सियासी अशराफिया किधर जाएगी। एक मुद्दई है और वो अपनी मर्जी की FIR दर्ज करवाना चाहता है, तो इसको अदलिया क्यों नहीं सुनती। शाहजी माजद या मैं आपको, शाहजी मैं आपको यहाँ पे रुकूंगा, ये एग्जांपल तो सियासी क्यादत ने सेट करनी थी कि अगर आपके एक सियासी हरीफ पे भी अगर कोई हमला होता है, जानलेवा हमला होता है, उसके ऊपर खुद मुस्लिम लीग नून को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आना चाहिए था, बल्कि मैं कहूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्यादा आगे आना चाहिए था, जमहूरियत में उनकी बड़ी कुर्बानी है। ये मुफामत की क्यादत है, ये सियासी क्यादत नहीं है सर, जो भी लेकिन है। कम अज कम एक इदारा सर यहाँ पे तो वो किरदार शो करना चाहिए था, खुद नोटिस लेना चाहिए था, उनको देखना चाहिए था, ये अदलिया का काम है सर, अदलिया सोमोटो एक्शन नहीं ले सकता, तो मामूली वाकया था। मैं एक बात बताएं, अगर आज ये अटैक खुदा ना करे कभी किसी और के ऊपर हो, लेकिन खान साहब के ऊपर जब ये अटैक हुआ, अगर मियां शहबाज शरीफ साहब ये इंस्ट्रक्शन जारी कर देते कि इस अटैक के ऊपर खान साहब जिस तरीके से चाहते हैं वो कार्रवाई की जाए, तो इससे शहबाज शरीफ साहब के कद में इजाफा ना होता। सर उनके कद में कैसे इजाफा होता, उनके खानदान के ऊपर तो सवालिया निशान उठ रहे हैं अरशद शरीफ के कत्ल के, उनके अपने बंदे लगा रहे हैं, तो वो कैसे इस बात को जो है एंडोर्स करते। शेफ साहब मैं क्या कहूँ इसके ऊपर, आप ही जवाब दे दे मेरे ख्याल से, तो क्योंकि मेरे ख्याल से तो शायद सियासी क्यादत की किरदार होना चाहिए। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि शहबाज शरीफ साहब आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहते हैं कि अभी तक पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें खुल जाती हैं और उसमें मजीद बहस करने की जरूरत तो है नहीं। एक जिंदा आदमी का पोस्टमार्टम तो आप कर नहीं सकते भाई। लेकिन सर मुझे एक बात बताएं, आप दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे आप ये दोनों बता दें, शेफ साहब आप पहले बता दें, ऐसे मामलात में अगर सियासी क्यादत आज 70-75 साल हो गए अभी भी मैच्योरिटी का इजहार नहीं करेगी, तो क्या हम फिर दावत दे रहे हैं कि आप मामलात हमसे नहीं संभाले जा रहे, हमें अपने आपस के मामलात नहीं संभलते, हमसे मीशत के मामलात नहीं संभलते, तो कोई और आके मुल्क को संभाल, यही कहा जा रहा है फिर तो। देखें गुजारिश ये है कि जिनकी आप बात कर रहे हैं बदकिस्मती से वो भी नहीं संभाल सकेंगे, बात समझ मेरी, इस मुल्क में सियासी कल्चर को प्रमोट किया ही नहीं गया, थ्रू आउट उसको दबा कर रखा गया। किस दौर में आप बता दें मुझे, जब तक मैं एक मरतबा फिर ये बात कह रहा हूं, जब तक हर अदारा अपनी हदूद में रहकर काम नहीं करेगा, जब तक आप सियासी कल्चर को प्रमोट नहीं होने देंगे, यहाँ पे यही चलता रहेगा भाई। और सियासी कल्चर को प्रमोट करने के लिए क्या करना होगा जी, सियासी कल्चर को प्रमोट करने के लिए क्या करना होगा, हमारी तो किसी भी सियासी पार्टी में जमहूरियत खुद नहीं है, डायनेस्टी पॉलिटिक्स है, बाप के बाद भाई, भाई के बाद बेटा, इसी तरह का तो मामला चलता है हमारे यहाँ, तो किस तरीके से आपको लगता है परवान चढ़ सकता है।
सर जैसा भी है तो सर जब एक पार्टी ऐसी आई जिसने डायनेस्टी सियासत को चैलेंज किया है तो आप उसकी बात को क्यों नहीं सुनते, आप उसके मैंडेट को क्यों नहीं मानते? बात तो यह है ना कि माने कौन। आप मुसलसल हर काम में नाइंसाफी कर रहे हैं, आप आवाम के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, आप मुल्क के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं कि आप मतलब देखें, कहने का मकसद ये है कि अगर अगर शहबाज शरीफ साहब ये अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, ठीक है, तो सर इदारे कब अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे? सर आपने इदारों की बात की, मेरे पास आखिरी मिनट में चाहूंगा दोनों आप लोग हजरात इदारे आगे बढ़कर खुद सारी पर ठीक करने के लिए आ जाएं, अपनी खिदमत पेश करें, खुद आ जाएं। उनके आगे तो शहबाज शरीफ चुप नहीं रहेंगे, उनके आगे तो पुलिस खामोश नहीं रहेगी, उनके आगे तो सबको बोलना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, तो आप जवाब लें ना। मेरे पास आखिरी सवाल है, मैं चाहूंगा एक मिनट रहता है, इसके ऊपर जरूर कमेंट कर दें। पाकिस्तान में गुज़श्ता साल जो अप्रैल में हुआ 2022 में, जिसको बहुत से लोग रिजीम चेंज का नाम भी देते हैं, मुझे ये बताएं कि इस तब्दीली के बाद आज 10 माह गुजर चुके हैं, आज हम जहां पे खड़े हैं, क्या हम 10 माह आगे गए या 10 साल पीछे चले गए? आप शाहजी पहले बता दें, फिर मैं शिव साहब के तरफ जाऊंगा फाइनल कमेंट के लिए। सर पहली बात तो ये कि अब हम खड़े ही नहीं है, अब तो हम लेट गए हैं, लेट इस सेंस में गए हैं कि $1.5 बिलियन आपकी LCs के लिए चाहिए जो मुल्क के पास नहीं है, ठीक है, आपको फर्दर इलेक्शन करवाने के लिए पैसे चाहिए जो आपके पास नहीं है, 2 हफ्ते का आपके पास पेट्रोल के रिजर्व्स रह गए हैं, ठीक है, आपके पास अभी जो आप रूस से अवाम को बता रहे हैं कि हम रूस से माहदे कर रहे हैं और ले रहे हैं, तो आप अवाम को ये भी समझा दें कि वो खाम चाहिए, कैसे आप ये मुल्क चला रहे हैं, किस तरह मुल्क को आपने किस नहज पे लाके खड़ा कर दिया। आज आपने 230 के और 225 के दरमियान डॉलर को रोका हुआ है, डॉलर मार्केट में 400 रुपए का है, तो आप ये किस तरीके से कर रहे हैं? बाहर से जो पेमेंट्स आ रही हैं, बैंक्स कह रहे हैं कि हम उसको ओपन मार्केट के रेट पर लेंगे, तो मुल्क को आपने मुआशी तौर पे बिल्कुल एक कोने में लाकर। शाह जी आपका पॉइंट आगे मैं चाहूंगा शिव साहब आप भी ऐड कर दें, क्योंकि लास्ट मिनट कह रहे हैं कि हम ना इलेक्शन करवाएंगे, हम ना किसी को मानेंगे और हम मुल्क को ठीक कर देंगे, फिर नवाज शरीफ साहब सोलो फ्लाइट, शाह साहब आपका पॉइंट आगे, शाह साहब ठीक कर देंगे, तो सोलो फ्लाइट थे तो वो भी आए थे साकदार, उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का मजीद, तो ये तमाम तजर्बे अब ना करें, पाकिस्तान मजीद तजर्बात का मुतामिल नहीं है, पाकिस्तान बहुत खौफनाक सूरत हाल में खड़ा है और उस वक्त से डरे जिस वक्त की आवाम जो है वो तंग आकर रोडों पर आ जाए। शाह साहब आपका पॉइंट आगे मैं चाहूंगा शेख साहब फाइनल कमेंट प्लीज आप भी कर दें इस पर। देखिए भाई शाह साहब बहुत कुछ बोल गए, अब उसमें मेरे बोलने की इतनी गुंजाइश तो नहीं, लेकिन बस इतना कहूंगा कि हम 10 महीने में 10 महीने पीछे नहीं गए, हम 50 साल पीछे चले गए। और इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर गए हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? सर उसके जिम्मेदार हम सभी हैं, सभी उसके जिम्मेदार भी हैं, उसके जिम्मेदार हम भी हैं, सभी हैं, हमारे सारे अदारे भी इसके जिम्मेदार हैं, ओपनली कह रहा हूँ। बात यह है कि कौम इतनी आपने कंफ्यूज कर दिया, आपने कौम को सियासी इश्यूज में आप फंसाई जा रही है, जो मुल्क को जो जरूरत है वो इकदाम किए नहीं जा रहे, तो किस केओस की तरफ आप लेकर जा रहे हैं? पॉइंट आ गया, मेरे पास प्रोग्राम का अनफॉर्चुनेटली वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचा, आप दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उम्मीद करते हैं कि क्योंकि जिस दलदल में पाकिस्तान फंसा हुआ नजर आता है, शायद ही कोई ऐसा मामला हो सियासी इकतसादी कोई ऐसा पहलू जो इस वक्त पाकिस्तान जहां पे बेहतर अंदाज में नजर आ रहा हो, फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आता। आवाम इंतजार कर रही है, मुंतजर है कि कोई ऐसी मुस्बत खबर आए जो आवाम की मुश्किल होती हुई जिंदगियों में कोई राहत का सुकून, कोई राहत का लम्हा ला सके, फिलहाल ये भी होता हुआ नजर नहीं आता। दूसरी जानब हुकूमत ने एक और टैक्स के बोझ की तैयारी कर ली और टैक्स का एक बड़ा बोझ आवाम पर बहुत जल्द पड़ने को है, आवाम को इस तरह से यकीन तौर पर तैयार रहना होगा कि एक और मुश्किल लम्हा पाकिस्तान की आवाम के लिए अब आने को है, शायद इसको अवॉइड करना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा, अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। सर 200 अरब रुपए का नया मिनी बजट आ रहा है, बिल्कुल सर तैयार हो जाए आप, बिल्कुल ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मेरे ख्याल से इसके बाद में कुछ कह ही नहीं सकता, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।